तो ये देखो मेरी स्कूटी हो चुकी है खराब, इसकी ना तार टूट गई चौक वाली, जिसकी वजह से अब ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये बाइक भी हो चुकी है खराब, इसकी टंकी में भर गया है पानी, तो अभी पानी निकालने आ रखा हूँ इसका। बारिश की वजह से इसकी टंकी में पानी भर गया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजने वाले हैं, अभी 6 बजे नहीं है, 15 मिनट बचे हैं 6 बजने में। और निकल चुका हूँ घर से मैं एक्सरसाइज करने जाने के लिए, वॉक पे जाने के लिए। तो अभी कुछ इस तरह के रास्ते पे हूँ, ये देख लो जगह जगह पानी भी भर रखा है थोड़ा थोड़ा सा, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी आ जा रहा है ऐसे। बस बाइक बंद ना हो जाए, एक हाथ से चला रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है। और मोर की आवाज़ सुन लो, सुंदर सुंदर आवाज़ सुबह सुबह, मज़ा आ जाता है वैसे सुबह सुबह वॉक पे जाने में। चारों तरफ एकदम मस्त मौसम हो रखा है, ऊपर से मोर की आवाज़, रोड पे एक भी गाड़ी नहीं, शांति ही शांति। पीछे भी एक गाड़ी दिख रही होगी, तो मज़ा आ जाता है सुबह के टाइम वॉक पे जाने में। अब चलते हैं सीधा पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। तो फाइनली पहुंच चुका हूं, ये देखो यहां खड़ी कर दिया मैंने अपनी बाइक खड़ी। और टाइम अभी इतना हो रहा है 6 बजने में, 6-7 मिनट बचे हैं। और ये सामने पार्क है, इस टाइम तो यार काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं, नहीं तो और दिन में सुबह सुबह आ जाता था ना, लगभग 4:05 पहुँचता था एक तरह से, तो उस टाइम एक दो ही बाइक रहती है, लेकिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई। और ये सामने मेन रोड है अपना, तो चलो चलते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. इस मौसम में यार पार्क देख लो कितना ज़्यादा हरा भरा रहता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रखी है। गर्मियों के टाइम तो ये सब सूखे रहते हैं, लेकिन अभी एकदम मस्त हो रखा है। और खुशबू आ रही है बहुत तगड़ी, जैसे पहाड़ों में नहीं आती पेड़ों की खुशबू, ऐसी खुशबू आ रही है। तो अब करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर वॉक, उसके बाद चलेंगे घर, लगभग 1 घंटे करता हूँ मैं। और यहाँ ऐसे जगह जगह बैठने के लिए भी बना रखे होते हैं, लेकिन मैं बैठता नहीं हूँ, मैं बस चलता ही जाता हूँ। तो फाइनली एक्सरसाइज हो चुकी है अपनी कंप्लीट, अब निकलते हैं वापस घर जाने के लिए। तो अब पहुँच चुका हूँ बाइक के पास, देखो अब तो कितनी सारी भीड़ लग गई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस टाइम। तो ये खड़ी अपनी बाइक, ये रही। वॉक करने के बाद तो यार बाइक चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, एक तो पैर थक जाते हैं ना चलते चलते, तो बाइक में बैठ के अच्छा सा लगता है, ऊपर से हवा लगती है जब बाइक चलती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो थार क्या बढ़िया लग रही है ना। चलो अब यार घर चलते हैं इसको लेके सीधा। Haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving. तो अब टाइम सुबह के 10 बज चुके हैं और घर पहुंच गया। और देख लो बारिश भी शुरू हो गई घर पहुंचते ही, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और अभी मैं जा रखा था अपने पापा की बाइक लेके HF Deluxe को ठीक कराने के लिए। एक मिनट ये लेंस साफ कर दूं। तो उसमें पता है क्या हुआ था, उसमें पानी घुस गया था टंकी में। अभी सुबह मैं उसे ऐसे ही ले गया पानी के साथ ही, फिर ना वो थोड़ी सी मिसिंग सी कर रही थी, अजीब सी आवाज कर रही थी। चौक पे सही चल रही थी, लेकिन वैसे चलाओ तो ढंग से चल नहीं रही थी वो, कभी बंद हो रही थी कभी कुछ हो रहा था उसमें। और जब चेक कराया तो उसके नीचे से ना पानी निकला, जहाँ पे नॉब नहीं होता फ्यूल का, कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में होता है, अब तो नहीं होता फ्यूल इंजेक्शन वाली में, तो वहां से निकाला तो पानी पानी निकला। फिर पूरी टंकी खोल के साफ कराई उसे, फिर उसके बाद आया घर। पर ये क्या पानी निकल गया उसकी टंकी से, और पैसे लगे 200 रुपए लगे निकलवाने के। तो आजकल ये भी दिक्कत है गाड़ियों में, टंकी में पानी घुस जा रहा है। वो अंकल बोल रहे थे आजकल बहुत सारी गाड़ियों में जा रहा है ऐसी पेट्रोल में पानी, मतलब पेट्रोल की टंकी में पानी। पर चलो अब तो ठीक हो गई है वो, अब सही चल रही है। और यार मेरी नैनो में इधर का वो टूट गया रियर व्यू मिरर, जैसे इधर है ना ऐसे उधर भी होता है, लेकिन अब टूट चुका है, बच्चों ने तोड़ दिया। पता नहीं कौन तोड़ देता है, गली में और भी गाड़ियां खड़ी रहती है उनका नहीं टूटता, मेरी गाड़ी गई टूटते रहते हैं बार 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 बार। वो ना मैंने दूसरी बार चेंज कराया था, एक बार तो इसमें लगा हुआ आया था, वो भी ऐसी 2-3 बार टूटा, 2-3 बार तो मैंने उससे चिपका दिया फेविक्विक से, लेकिन एक बार ऐसी टूटा वो कि बीच से भी टूट गया, जो मेन मिरर होता है ना ये जिसमें दिखता है ये चीज, यही टूट गई थी, तो जिसकी वजह से मेरे को चेंज ही कराना पड़ा था। फिर उसके बाद मैं नया वाला लाया, वो भी आज तक ये लगा लो 6-7 बार टूट चुका है ऐसे गिर के, लेकिन ये कि अभी वो बीच से नहीं टूटा, तो फेविक्विक लगा के चिपक जाएगा,
पर ये कि एक एक्स्ट्रा मिरर लाके रख दूंगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कभी भी गिर सकता है और इमरजेंसी में चाहिए हो गया। वैसे तो सस्ते ही आते हैं इसके मिरर, 120 का एक आता है, दोनों आ जाते हैं 340 रुपए के, तो इतने ज्यादा महंगे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर महंगे होते ना तब दिक्कत हो जाती। और ये ओरिजिनल मिरर नहीं है, ये कंपैटिबल मिरर है। जो ओरिजिनल होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, इतने बड़े होते हैं और थोड़े हैवी होते हैं। ये थोड़े हल्की क्वालिटी के, हैवी वाले मिलते भी तो नहीं है, वो मिलेंगे भी तो कश्मीरी गेट मिलेंगे और ऊपर से वो महंगे मिलेंगे, 800-900 रुपए का एक मिलेगा वो। ये सही है अपना, 340 रुपए में दोनों आ जाते हैं, जितने मर्जी टूटते फूटते रहे। ये वाला तो बचा रहता है क्योंकि इस तरफ दीवार है ना, तो ये वाला नहीं टूट पाता, लेकिन वाला टूट जाता है। अब जैसे गाय गई, कभी गाय तोड़ देती है, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, बच्चे भी घूमते रहते हैं गाड़ी के इधर उधर इधर उधर, गोल गोल घूम घूम के खेलते रहते हैं, तो कभी बच्चे तोड़ देते हैं, कभी कोई तोड़ देता है, कभी कोई तोड़ देता है, तो ऐसे टूटते ही रहता है वो, कभी चलते हुए इंसानों से लग जाती है। राइट साइड का तो फिर भी बचा लेता हूँ, लेकिन लेफ्ट में थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाती ना, मतलब अंदाजा नहीं लग पाता कभी कभी, तो लोगों के हाथ पैर लग जाते हैं तो तब टूट जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है, मैं एकदम सही निकाल रहा होता हूँ, लोग एकदम आ जाते हैं बीच में, गाड़ी में टच हो जाते हैं, तो तब भी टूट जाता है। इसलिए लेफ्ट वाला तो बहुत टूटता रहता है, ये लगा लो हफ्ते दो हफ्ते में एक बार वो टूट ही जाता है, फिर उसे चिपकाना पड़ता है फेविक्विक से। और अब यार बारिश और तेज हो गई, ये देखो अंदर भाप जमने लग गई है, क्योंकि इंसान की बॉडी में हीट होती है, एसी चला दूंगा तब नहीं जमेगी भाप। वैसे बाइक की टंकी साफ करना तो यार बहुत आसान है, बस उन्होंने क्या किया, टंकी खोल ली, एक नट होता है, बस वो नट खोलो तो HF डिलक्स की टंकी निकल जाती है। ऐसी स्प्लेंडर में भी होगा, जो छोटी छोटी बाइकें होती हैं उनमें सब में सेम ही होगा, तो बस टंकी निकल जाती है, उसके बाद टंकी के नीचे एक नट होता है वो खोलना होता है, वहां से उसका वो निकल जाता है सेंसर, जिससे पता लगता है मीटर में तेल कितना है, वो निकल जाता है और वहीं से तेल भी निकल जाता है। तो वहां पे एक पाइप डालो और फटाफट बस बोतल में भरते रहो, टंकी एकदम साफ हो जाती है 5 मिनट से कम में ही। तो बहुत आसान है, वैसे घर पे भी कर सकता है कोई भी आराम से, घर पे नहीं तो आप रास्ते में कभी फंस जाओ, आपकी टंकी में पानी आ जाए, तब आप कर सकते हो आराम से साफ। बड़ी बाइकों का मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी बाइकों का तो आसान है, स्प्लेंडर हो गई, HF डिलक्स हो गई, इन बाइक्स का। छोटी बाइकें सही रहती है यार, इनका सारा सामान सस्ता रहता है, कुछ काम कराओ तो आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होती, लेबर चार्जेस कम लगते हैं, स्पेयर पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, पहली बात तो दिक्कत होती नहीं है जल्दी से कोई, और हो भी जाती है तो आराम से रिजोल्व हो जाती है, सस्ते में ज्यादा खर्चा ही नहीं आता। और सस्ती बाइक भी क्या, स्प्लेंडर भी 1,10,000 1,20,000 के आसपास हो चुकी है, वहीं आप एक 1.5 लाख रुपए की बाइक ले लेते हो तो उसमें खर्चे डबल हो जाते हैं, डबल से भी ज्यादा। पर यह कि वो भगाने में मजा आता है उसे, स्प्लेंडर हाईवेज पे इतनी स्टेबल नहीं रहती, उड़ती रहती है, गलियों के लिए तो ठीक है लोकल लोकल में चलाने के लिए, लेकिन हाईवेज पे मेन रोड पे मजा नहीं आता उसे चलाने में, पतली सी है ना, ऐसा लगता है एक छोटा सा भी पत्थर आएगा उड़ जाएगी। मेरी स्कूटी भी ज्यादा स्टेबल रहती है स्प्लेंडर और HF डिलक्स से हाईवेज पे, ऐसी स्कूटियों में एक्टिवा है, एक्टिव अभी स्प्लेंडर जैसी, वो भी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है हाईवेज पे। सबसे ज्यादा स्टेबल तो एंटॉर्क है, फिर उसके बाद जुपिटर मेरे को सही लगती है, वो भी सही स्टेबल है। तो अब टाइम हो चुका है, रात के 8:30 बज चुके हैं यार, 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में आधा घंटा बचा है। और यार उसके बाद तो बारिश शुरू हो गई थी, फिर भीगता भीगता गया मैं और अब वापस आया हूँ, तो इधर भी ना पानी भर रखा है। फिर अभी मैंने सोचा कैमरा लगा ही लेते हैं, अब तो फिलहाल रेनकोट भी उतार दिया है मैंने, ये देखो कितना पानी भर रखा है, ऐसे चलानी पड़ेगी बाइक। और यार कल स्कूटी भी ठीक करानी ही पड़ेगी, स्कूटी के बिना तो काम चल नहीं पाता, कल देखते हैं क्या क्या खराबी हुई है। मेरे ख्याल से तो बस चोक वाली तार टूट गई है उसकी, वो डलेगी बस, पता नहीं यार वो तार टूटी कैसे, या तो बच्चों बच्चों ने खींच दिया होगा चोक जोर से ताकत लगा के पूरी, या फिर हो सकता है ऐसी निकल गई हो। ये देखो पानी भर रखा है इधर तो बहुत ज़्यादा, इधर भी बारिश हुई है तेज, वैसे इधर ही हुई है, लाजपत नगर साइड तो नहीं हुई थी बारिश, वहाँ तो सूखा सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इधर हो रही है ज़्यादा बारिश। देखो पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पूरे इस कोने से लेके उस कोने तक पानी पानी है, और अभी मैं कुछ इस तरह से बैठ रखा हूँ, भाई साहब यहाँ तो बहुत तगड़ा पानी भर रखा है, तेज बारिश हुई है इसका मतलब यहाँ पे।